महाविदेह क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासन पति भगवान महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, उनको इस जगत से कोई वास्ता नहीं, वो अनंत सिद्धों में लीन हो गए, अपना कार्य सिद्ध कर लिया और सिद्ध होने की मार्ग हमको बताते हैं। उस प्रभु की साधना को, ज्ञान को, मैत्री को, करुणा को, अनेकांतवाद को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। आज चतुर्मास प्रवेश, आप सभी अपना व्यस्त कार्यक्रम छोड़ करके प्रवेश करने के लिए, करवाने के लिए आप सभी आए, दूर दूर से आए, अपना समय दिया, यात्रा में सम्मिलित हुए और चतुर्मास के प्रवेश में आपने सहयोग दिया, आप साधुवाद के पात्र हैं। चतुर्मास एक अवसर है आत्मा को साधने का, मिथ्यात्व से संकट की ओर आने से, अज्ञान से ज्ञान की ओर आने का, व्यक्तित्व से अस्तित्व का पोषण करने का। चतुर्मास एक अवसर है धर्म श्रवण करके कल्याण मार्ग बढ़ने का, कर्ता भोक्ता को छोड़ करके दृष्टा भाव में आने का। चतुर्मास एक अवसर है राग से वैराग्य की ओर आने का, अपने अस्तित्व में उतरने का, जीव से शिव बनने का और अपने लक्ष्य सिद्धालय को प्राप्त करने का। एक चतुर्मास एक अवसर है चार महीने का, ये एक संयुक्त है साधु साध्वी श्रावक श्राविका। साधु साध्वी चार महीने एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, क्योंकि चतुर्मास में वर्षा का योग होता है, बहुत जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए विहार नहीं करते,
प्रभु महावीर ने भी, तीर्थंकर भगवंतों ने भी चतुर्मास रखा है। महाविवेक में भी भगवान सिमंद्र स्वामी भी चतुर्मास करते हैं, और ये चतुर्मास एक अवसर आता है हमारे लिए, आपके लिए, अपने को जानने का, समझने का, प्रयत्न करने का। माना कि आप श्रावक हैं, आपकी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, धन कमाना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके धन से परिवार चलता है, समाज चलता है, राष्ट्र चलता है। जब राष्ट्र को कोई आवश्यकता होती है तो आप खुले हाथों से दान देते हो। आज भामाशाह का उदाहरण सामने है कि जब ज़रूरत पड़ी महाराणा प्रताप को, खजाने खोल दिए, वो मंदिर बनाना चाहते थे, मंदिर ना बना करके उन्होंने सारा खजाना खोल दिया और देश को आज़ाद कराने में आज जहाँ महाराणा प्रताप का नाम आता है वहाँ भामाशाह का नाम आता है। इतना धन, इतनी संपत्ति उनके पास जो थी वो सब दे दी। ऐसे भी श्रावक हैं हमारे पास, देश के लिए, समाज के लिए। और आप जो धन कमाते हैं, धन का सदुपयोग आप करते हैं, तो आपको बहुत बहुत पुण्य का लाभ मिलता है। धन आपके लिए नहीं, अकेले आपके लिए नहीं, आपके परिवार का हिस्सा है, समाज का भी है, राष्ट्र का भी है, साधु साधियों का भी है। और कोई आपातकाल में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसको बहुत ज़रूरत है, उसको आप मुक्त भाव से दे देते हो, तो महान पुण्य नहीं, अनंत अनंत कर्मों की निर्जला कर लेते। भगवान महावीर ने पहले भाव में, नैसार के भाव में, एक मुनियों को गोचरी का लाभ दिया था और प्रतिज्ञा की थी कि भोजन खाने से पहले कोई मुनि आ जाए उसको मैं भोजन दे दूँ। राजा ने लकड़ियाँ जंगल में लाने के लिए उनको भेजा, वो बहुत से कारीगर लेकर के आए, लकड़ियाँ काटी, दोपहर का समय हुआ, भोजन अपने अपने करने लगे। पर नैसार के मन में भाव था कि कोई मुनि, कोई भूखा आए उनको भोजन दे दूँ, नहीं मिला। वृक्ष के ऊपर चढ़ के देखा, दो मुनि उधर से आ रहे हैं, वो रास्ता भूल गए। उनको प्रार्थना की, मुनियों को शुद्ध आहार दिया। शुद्ध आहार का मतलब ये होता है कि आप अपने निमित्त से जो बनाते हो, और आपको भावना बांधनी चाहिए, मैंने जो भोजन बनाया, मैंने भोजन बनाती हैं अपने लिए नहीं बनाती, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, साधु साधियों के लिए। मेरा बनाया हुआ भोजन कोई अतिथि, कोई साधु आकर के ले जाए तो आपका भोजन सार्थक हो जाता है, अनंत अनंत कर्मों की निजला का कारण बन जाता है। ऐसे ही आप कभी भी कहीं भी जाओ, बिहार में जाओ, गाड़ी लेके जाओ, अपने साथ टिफिन लेके जाओ, प्लास्टिक पानी लेके जाओ, रास्ते में कोई मुनिराज आते हैं उनको भूख लगी होती है, आप उतर करके दे देते हो, तो बहुत कर्मों की निजला का कार्य। तो ये कार्य श्रावक कर सकते हैं, साधु नहीं कर सकता। साधु के पास देने के लिए आहार नहीं है, भोजन नहीं है, वस्त्र हम आप सबके मांग के लेते हैं, वस्त्र भी लेते हैं, मकान भी लेते हैं, भोजन भी लेते हैं, पुस्तक भी लेते हैं। कोई साधु साध्वी को पढ़ाना हो उसके लिए भी आप सेवा करते हैं। तो एक दोनों का एक संबंध बना है, साधु साध्वी, श्रावक श्रावक का। तो वो जो भोजन दिया था नैसार के भाव, वो मोक्ष का कारण बना। इसलिए आप एक अवश्य संकल्प रखें कि भोजन करने से पहले, आप भोजन करने बैठे, आपके घर में आप भोजन लेके बैठे हैं, कोई मुनिराज अचानक आ जाता है, आप उसको आधी रोटी भी दे देते हैं, थोड़ी सब्जी दे देते हैं, बहुत बहुत कर्म निर्जला कर लेते हैं। ऐसा भाव रखना चाहिए, भावे भावना भाव।
भावे दीजिए मोक्ष, भाव से मोक्ष मिल जाता है। देना महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से भोजन बनाया गया, भोजन परोसा गया, भोजन खाया गया, भोजन खिलाया गया, ये महत्वपूर्ण है, भाव महत्वपूर्ण है। तो वो जो भगवान महावीर की यात्रा नैसार के भाव से शुरू हुई, मुनियों को आहार दिया, और मुनियों ने सोचा कि इन्होंने तो हमें भोजन दे दिया, हम क्या दें। तो मुनियों ने भेद ज्ञान की साधना दी, वो कुछ जैन नहीं थे, कुछ जैन मुनियों को जानते नहीं थे, मुनि कौन थे पता नहीं। तो मुनियों ने उन्होंने भेद ज्ञान की साधना की, जड़ जीव का भेद बताया, उस भेद को लेकर के महावीर कितने जन्म लग गए, 27 जन्म लग करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने में लग गए। और हमने पता नहीं अनंत काल में, अनंत जन्मों में कहाँ कहाँ भटके, मैं भटका आप भटके, परंतु अब हमें अवसर मिल गया महावीर की साधना करने का। महावीर की साधना सूत्रों में सुरक्षित है, परंतु वो समझ में नहीं आती, मुझे समझ में नहीं आई। मैंने सूत्र पढ़ लिए, लिख लिए, PhD कर ली, DLED कर दी, किताबें लिख दी, प्रवचन दे दिए, परंतु महावीर की शुद्ध साधना क्या है, जीव अस्तित्व क्या है, आत्मा क्या है, उसका बोध क्या है, ये अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा से मिली। जब आप साधना शिविरों में आते हैं, और आजकल ऑनलाइन में शिविर लगते हैं, उस समय आप बहुत बहुत लाभ ले सकते हो। समय निकालो सोरा अपने लिए, ये चतुर्मास आप सब कुछ करेंगे, तप करेंगे, साधना करेंगे, दान शील तप भावना, ये चार अंग है मोक्ष के, जो समित मुनि ने आपको बताया है। दान यथाशक्ति जिसको भी आपका भाव बने आप दान दे सकते हो, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव, शील का पालन करो, संयम का पालन करो, तप यथाशक्ति तप करो, छोटे से छोटा तप और बड़े से बड़ा तप, नवकारसी पोरसी एकासना एकठाना घंटी मोटी, छोटे छोटे तप बहुत महत्वपूर्ण है, पर वो तप करना कैसे है ये महत्वपूर्ण। एक तप है बाहर तप कर लिया आपने, नवकारसी कर ली, पोरसी कर ली, उपवास कर लिया, ये ठीक है, ये शरीर का तप है, इसके साथ आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, और तप तो आपने कर लिया पर आप कहाँ हो, समझे आपका मतलब क्या। आपका जीव कहाँ है, उस तप में है कि नहीं। बहनें भोजन बनाती हैं, 6 काया कर्म श्रम करती हैं, और हम श्रम का भोजन हम लेते भी हैं, परंतु यदि हम अपने जीव में स्थित हैं, भोजन लेते समय, भोजन खाते समय, बहनें भोजन बनाते समय, यदि वो अपने जीव में स्थित हैं, तो उनको पाप कर्म का बंधन नहीं होता। ऐसा उत्तम भगवान की वाणी। तो 2 तत्व है, एक है शरीर और एक है आत्मा। मैंने कई बार बोला है आपके सामने, जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों, जिस्म ये शरीर और रूह है आत्मा, जिस्म और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों, उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हो। आप देखो 24 घंटे कितना समय आप जीव को देते, आपका अपना जीव, सबके पास जीव है कि नहीं बोलो, कि निकल गया, निकल गया, निकल गया तो क्या होता है, इन्हें कटो, बाल कटो, राख की ढेरी हो गई है, और एक दिन भी नहीं रखा जा सकता, चाहे किसी का भी शव हो उसको जला दिया जाता है, राख की ढेरी बन जाती है। ये जो शरीर आकार है, मेरा और आपका आकार है, भगवान कहते इसको महत्व नहीं देना, ये शरीर शिव मुनि का शरीर, शरीर में क्या क्या है,
शरीर में बोलो क्या क्या है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां, छठा मन और बुद्धि, ये 3.5 हाथ की काया, पूरा जीवन हमने इसको महत्व दे दिया, पूरा जीवन महत्व दे दिया। और जीव के भी आकार के भीतर कौन है? निराकार आत्मा, मेरे भीतर आपके भीतर। और महत्व किसको देना था? निराकार को, दे दिया आकार को। सबसे बड़ी भूल जीव की, सबसे बड़ी भूल मेरी और आपकी, सबसे बड़ा पाप कि हमने निराकार को महत्व नहीं दिया, जीव को महत्व नहीं दिया, शरीर को महत्व नहीं दिया। और शरीर को महत्व दिया, फिर शरीर, फिर शरीर, फिर शरीर, मिलते रहेंगे। पुण्य किया देवलोक चले जाओगे, कम पुण्य किया मनुष्य बन जाओगे, पाप किया पशु बन जाओगे, और पाप किया तो नरक के निरिया बन जाओगे। मैं और आप 4,84,00,000 जीवा योनियों में भ्रमण किया कि मैंने अपने आकार को महत्व दिया। ये शिव मुनि का आकार, ये साधु, मैं साधु, ये मेरे श्रावक, ये मेरी संपत्ति, धन, बंगला, कोठी, ये कुछ भी आपका नहीं है। सब परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। याद करो जब माँ के गर्भ में आप आए थे, ये देह को तैयार होने में कितने महीने लगे? 9 महीने लगे, एक संयोग बिना माता पिता। और 9 महीने के बाद ये देह तैयार हुई और गर्भ से आई, माँ कहती है मेरा बेटा, बेटा कहता है मेरा माँ, ना माँ बेटे की है ना बेटा माँ का है, बोलो है बोलो कोई है? एक संयोग बना और अनंत संयोग हम ऐसे जन्म लेते रहे, अनंत गर्भों से गुजरे, कभी मनुष्य बने, कभी पशु पक्षी बने, कभी पृथ्वी में जन्म लिया, पानी अग्नि जल वायु वनस्पति, बेंद्री तेंद्री चिरेंद्री पचेंद्री, पुण्य किया देवलोक चले गए। हम आपको ना पुण्य के लिए कहते हैं, ना हम आत्मरुद्र ध्यान तो जन्म से करते रहे थे। जब बेटा जन्म लेता तो रोता है, आत्मरुद्र ध्यान करता है, माँ दूध पिलाती है, छाती से लगाती है, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा, इतना संस्कार दे दिया, इतना संस्कार दे दिया कि माँ बेटा और बेटा माँ का। और माँ सोचती है 25 वर्ष के बाद बेटा मेरी सेवा करेगा, जब मैं आराम से रहूँगी। 25 वर्ष के बाद क्या होता है? बेटा किसी और का हो जाता है, माँ बेचारी देखती रह जाती है, संसार बदल जाता है। सब परिवर्तनशील है, ना माँ बेटे का ना बेटा माँ। पहले ही सोच लो कोई तुम्हारा नहीं, कोई भी तुम्हारा नहीं, एक जीव जो निराकार आत्मा है, अकेली, भगवान कहते अकेली आत्मा मेरी और आपकी। जीव साथ जाता है कोई? जब जीव निकल के जाता है आपको पता लगता है? लाखों लोग हों, जीव निकल के चला जाता है, कार मन शरीर को लेकर के जिस गति जिस योनि में जाना है वो चला जाता है, महाविधि जाना चला जाता है, अपने कार मन शरीर को लेकर के चला जाता है और जिस गर्भ में जाना वो प्रवेश कर लेता है। ये जीव दिखाई नहीं देता, कैसे निकल के चला जाता है। और यही जीव जब केवल ज्ञान हो जाता है, मोक्ष जाना होता है, यही जीव 26 देवलोक पार करके एक समय में सिद्धशिला चला जाता है, सिद्धशिला चला जाता है। ये जीव हमारे जीवन का लक्ष्य, अपना लक्ष्य तय करो, मेरा लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य रोटी कमाना नहीं है, दुकान चलाना नहीं है, ठीक है साइड बिजनेस है आपको करना पड़ेगा, मैं मानता हूँ कि धन कमाओगे तो घर चलेगा, घर चलेगा तो संत आपके घर में रोटी लेने के लिए आएंगे, ये भी जरूरी है, पर दिस इज नॉट द अल्टीमेट। आप दुकान को 6 घंटे 7 घंटे दो, अपने लिए 4 घंटे दो, घर के लिए दो, सोने के लिए 4 घंटे 5 घंटे दे दो, अपने लिए क्या दिया, जीव के लिए क्या दिया, या संकल्प करो। चतुर्मास प्रवेश में आप बैठे हो, जीव आपका 24 घंटे आपके साथ में है, 24 घंटे
उठते बैठते चलते सोते खाते पीते। आप सोते हैं, जीव सो जाता है? बोलो कौन का भाई, जीव सो जाता है? आप उठते हैं, आप सैर करते हैं, आप खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, जीव साथ में होता है। पर हम जीव को भूल जाते, हम जीव को याद ही नहीं करते। तो किसको याद करना है? जीव, मात्र जीव। मैं जीवात्मा हूँ याद करना। बोलो मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है। आवाज कम हो गई, क्या बात है? मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। ये आपका संकल्प, मेरा संकल्प और आपका संकल्प। बोलो संकल्प करते हो? सभी करते हो? बोलो, आपकी मर्जी है, करना तुम्हारी मर्जी, ना करना तुम्हारी मर्जी। करोगे तो सिद्धालय चले जाओगे। नहीं, चार गति 84 लाख जीवा जोनियों में अनंत काल में भटके हैं, अनंत काल में भटके हैं। एक संकल्प करो। और मैं कहता हूँ बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। जीव को भगवान कहते हैं अन्न का दाना इस जीव ने ग्रहण नहीं किया। एक अन्न का दाना, एक पानी की बूंद जीव ने पी अभी तक नहीं। जो कुछ किसने किया? फिर शरीर को इतना महत्व। यदि जीव निकल जाए, शरीर की कीमत क्या? कुछ भी नहीं। सारी कीमत जीव की। जैन दर्शन में, जैन धर्म में, जैन साधना में, जैन ध्यान में, जैन योग में सबसे अधिक महत्व महावीर की साधना में जीव, मात्र जीव, मात्र जीव। और तुम हो और मैं, बाहर नहीं, वो भीतर है। कबीर कहते कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं। वो मृग बेचारा ढूंढता है, जब उसकी नाभि में कस्तूरी आती है तो बहुत सुगंध होती है, उस सुगंध को लेने के लिए वो आसपास चक्कर काटता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं। राम कहो, जीव कहो, आत्मा कहो, रूह कहो, कुछ कहो, वो तुम्हारे भीतर है। इसको जानो पहचानो। केवल ध्यान देना और कुछ नहीं करना। जैसे आप, आपकी फैक्ट्री है, आप मालिक हो, आप फैक्ट्री में जाओ ना तो मैनेजर कुछ भी करता है, फैक्ट्री का दिवालियाँ निकाल देता है। आप खड़े हो जाते हो फैक्ट्री में तो मैनेजर नौकर हो जाता है, आप मालिक हो जाते। बस जीव को समय दो, याद रखो मैं जीव आत्मा हूँ, आकार में निराकार आत्मा, और अष्ट गुणों की संपदा जीव में है। याद रखना 8 गुण। चोड़िया जी याद है आपको? ओड़िया जी कितने गुण हैं आत्मा के? 8 गुण कौन कौन से बोलो जरा। आप नहीं बोलना, तुम मत बोलो। हाँ बोलो, ओड़िया जी कितने हैं 8 गुण? 8 गुण हैं, आप बोलो। आपके अपने ही गुण हैं, इसको याद रखना भाई। मैं दोहरा देता हूँ, अनंत ज्ञान आप में है। अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा। जब मिथ्या और मोह टूट जाएगा, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ये भीतर प्रकट होगा, बाहर नहीं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख भीतर है, बाहर नहीं है। हम साता ढूंढते हैं, साता को सुख मान लेते हैं। अच्छा, आप भूख लगी, आपने अच्छा भोजन कर लिया, आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए, आप घूमने चले गए, वो आपकी साता थी, शरीर थी, सुख नहीं था। सुख तो भीतर भरा पड़ा है। जब आप गहरे ध्यान में डूबते हैं, निर्विचार निर्विकल्प अवस्था में आते हैं, वो सुख आपका बढ़ता है। गस कुमार के सिर पर अंगीठी रखी गई, वो सुख में थे और कलम नजरा करके चले गए। और जब सुख में होते हैं तो कर्म कटते हैं, पता नहीं कितने कर्म कट जाते। कैसे महावीर ने कर्म काटे, कैसे अर्जुन माली ने काटे, कैसे चंड कौशिक ने काटे। बुद्ध चंड कौशिया इतनी बात कही थी भगवान ने, बोध हो गया और इतना फुंकार मारता था, वो बिल के अंदर चला गया
और संथारा ले लिया, आठवें देवलोक में चला गया। वही जीव जो हत्यारा था, कितने लोगों को मारता था, वो बदल गया महावीर की क्षमा से, मैत्री से, करुणा से, देवलोक में चला गया। दृष्टि बदल गई, सारी दृष्टि जो बाहर की थी आत्मा में आ गई। तो अपने को जानो, अपने को समझो, अपने को समय दो 24 घंटे, जीव आत्मा को समा दो। YouTube में सारे ध्यान शिविर है, 2 घंटे का ध्यान करो, 4 घंटे का करो, 2 घंटे का समय दो। और ये भगवान कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि तुम बंद आँखों से ध्यान करो, खुली आँखों से, सब में जीव आत्मा के दर्शन, जैसे मेरे भीतर आत्मा, तुम्हारे भीतर आत्मा, सब में आत्मा के दर्शन करो। ये पुरुष, ये स्त्री, छोटा बड़ा, काला गोरा नहीं, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा, पशु पक्षियों में आत्मा। आत्मदृष्टि लेके आप सोहम की साधना, घटने दो भीतर और आपकी नजरा होती चली जाएगी। ऐसा वितराग दर्शन, ऐसा महावीर की वाणी, ऐसे भगवान सिमंद्र स्वामी की कृपा बरस रही है। पंचम काल में आपका अनंत 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 पुण्य है। पुण्य की कतारों की कतारें लग जाए जब ये विधि मिलती है, ये साधना मिलती है, आप साधना कर उठते। तो कोई दूर नहीं आपके लिए, नासिक जाओ, पंजाब में जाले कुपकला जाओ, जाके शिविर करो, 4 दिन लगाओ, वैसे भी घूमते रहते हो, अपने को समय दो, आपको समय मिलेगा। और चतुर्मास में अधिक से अधिक लाभ लो, यथाशक्ति दानशीलता भावना रखो, आपके जीवन को सुंदर बनाओ और अस्तित्व को महत्व दो। आज तक मैंने भी व्यक्तित्व को महत्व दिया था, जब प्रभु की वाणी आई कि शिव मुनि तुम कर क्या रहे हो, तुमने पढ़ाई कर ली, किताबें लिख दी, चतुर्मास कर लिए, इससे क्या हुआ, व्यक्तित्व का पोषण हो गया, मेरा चतुर्मास बढ़िया हो गया, ध्यान शिविर लग गए, इतने लोग आ गए, मैंने प्रवचन कर दिया, किताबें लिख दी, इससे मुझे क्या लाभ, बोलो मुझे क्या लाभ, आपको क्या लाभ। जब मैं अपने भीतर उतरूँगा, अपने भीतर जाऊँगा, तब मुझे लाभ होगा। तो आप सबसे मेरा नम्र अनुरोध है, कोई हमारा व्यक्तित्व की बात नहीं है, आप अपने जीवन में अपने को महत्व दो। अपने का मतलब जीव को साधो, और जीव 24 घंटे तुम्हारे पास है, केवल ध्यान दो, आकार में निराकार की साधना करो। आप सब लोगों ने ध्यान शिविर किए, पर ध्यान शिविर कर लिए, ये नहीं कि मैंने 4 साल पहले किए था, बार बार ये मिथ्यात्व की परत आती है, समकत का जंग चलती है, और समय समय पर आप ध्यान शिविर करो, YouTube में ध्यान करो, 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए निकालो, केवल अपने लिए। घर में हो, एक कमरा अपने लिए रखो, बंद कर दो कमरे को, मौन रखो और अपनी साधना करो, YouTube में ध्यान करो, आकार से निराकार की ओर आ जाओ। निराकार में अष्ट गुणों की संपदा है, 4 बता लिए थे मैंने, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, एक शक्ति जीव में है, 26 देवलोक पार करके सिद्ध चला जाएगा। जीव अमूर्त है, जीव दिखाई नहीं देता, जीव निराकार है, ये आकार शरीर का है, जीव निराकार है। और जीव ए गुरु लघु, जीव का वजन नहीं है, ना हल्का ना भारी, जीव ने कभी अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया। क्षाय क्षमकेत ये तुम प्राप्त कर सकते हो पंचम काल में, और अटल अवगाना सिद्धशिला में जाके, ये 8 गुण तुम्हारे पास हैं और मेरे पास हैं। बार बार चिंतन करना, रिवाइज करना, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आप सुन लिया, नहीं। जैसे आप दुकान में जाते हो, सौदा देते हो, फिर हिसाब किताब लगाते हो, आज कितना प्रॉफिट हुआ, कितना ये हुआ, रोज़ की बही खाता बनाते हो, फिर महीने का, फिर साल का, फिर प्रॉफिट गिनते हो, वो ठीक है, व्यवहार दृष्टि से ज़रूरी भी है, परंतु आत्म दृष्टि से कि मुझे कितना, मैं भीतर गया, कितना कारमन शरीर को महत्व दिया, कितना कर्म निर्जरा की, जीव का जीव में स्थित रहोगे तो कर्मों की निर्जरा ही निर्जरा होगी। जीव को छोड़ करके यदि आपने पुद्गल को महत्व, व्यक्ति वस्तु स्थान को महत्व दिया तो कर्मों का बंधन होगा। बस यही, आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, मंगल कामना। ध्यान करते हैं थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद रखें, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत।
सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक, सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, तुम आत्मा, एक आत्मा, हाथ मांस रक्त का शरीर, साढ़े तीन हाथ की काया, पुरुष की है या स्त्री की है, छोटी है बड़ी है, इसका कोई महत्व नहीं। इस काया के भीतर जो निराकार आत्मा है, वो जीव है, वो आत्मा है, वो रूह है, वो तुम हो, वो आपके अंग अंग में, कण कण में, लोहे लोहे में, खून के कतरे कतरे में विराजमान है। जीव तत्व को जानो और देखो। सिर का सिरा, बाल बुद्धि, माथा, दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नासिका, दोनों गालें, होंठ, जिह्वा, तालू, पूरा चेहरा में आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। कंठ, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों हाथ में आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करेंगे। दोनों छाती का भाग, हृदय चक्कर, नाभि केंद्र में आत्म प्रदेशों का स्पंदन, पीठ, पीठ का ऊपर का भाग, मध्य भाग, निचला भाग, दोनों जंघा, दोनों घुटने, दोनों टांग, सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक अपने भीतर आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए।
देखो अपने आप को, जानो अपने आप, देखो अपने आप को, जानो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे न भाव संता, अपने को जाने बिना मिटे न भाव संता। एक शरण है धर्म की, और शरण नहीं को, एक शरण है धर्म की, और शरण नहीं को, सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, जन जन मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, आप लोग बोलना, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखिठम, अहिंसा संयमो तव, देवावितंग नमं संति जस धम्म से आमन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका, अजर अमर पद हो का सदा ही।